AESJET टीकाकरण अभियान कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिला अधिकारी श्रावस्ती ने की प्रेस वार्ता। श्रावस्ती जिले के कलेक्टर सभागार में AESJET टीकाकरण विशेष अभियान कार्यक्रम की सफलता हेतु जिला अधिकारी दीपक मीणा ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि टीकाकरण जापानीज इंसेफ्लाइटिस से बचाव का सर्वाधिक प्रभावशाली एवं सुरक्षित विधि है। इस बीमारी से बचाव हेतु AESJET विशेष टीकाकरण अभियान 2 अप्रैल 2018 से 16 अप्रैल 2018 तक चलाया जाएगा, जिसमें 1 वर्ष से 15 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को जापानीज इंसेफ्लाइटिस दिमागी बुखार नख की बीमारी के बचाव हेतु टीके लगाए जाएंगे। इसलिए जिले के हर बच्चों का टीकाकरण कराकर हमें इस घातक बीमारी से बचाव हेतु बच्चों को सुरक्षित करना है। वही मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर टीके सिंह ने बताया कि टीकाकरण के पश्चात 1 या 2 दिन के लिए होने वाले हल्के बुखार के सापेक्ष टीकाकरण न करने की हानियां बहुत अधिक हैं। उन्होंने जनपद वासियों से अपील की है कि टीकाकरण में ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें, जिससे टीकाकरण अभियान को अधिक से अधिक सफल बनाया जा सके। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि मच्छर का जीवन चक्र अंडे से लार्वा 5-7 दिन में, लार्वा से प्यूपा 1-2 दिन में तथा प्यूपा से मच्छर 1-2 दिन में बन जाते हैं। इस प्रकार अंडे से वयस्क मच्छर बनने में 9 से 11 दिन का समय लगता है। इसका जीवन काल 30 से 45 दिन का होता है। ये शाम एवं रात के समय काटते हैं। ये घर एवं घर के बाहर अंधेरी एवं नमी युक्त जगहों पर रहते हैं। ये नालों, गड्ढों, सेप्टिक टैंक आदि के गंदे पानी में पैदा होते हैं, अतः इनमें गंदा पानी जमा नहीं रहना चाहिए। प्रति हफ्ता जले हुए तेल या केरोसिन का छिड़काव करना चाहिए, जिससे ये नष्ट हो जाएं। बारे में सघन पखवाड़ा मनाना है, जिसमें जितने भी छूटे हुए बच्चे हैं, पिछले साल जो जेई का टीकाकरण हुआ था, उन सारे बच्चों को इसमें कवर करना है। जनपद का लक्ष्य 1,21,000 के आसपास है, जिन बच्चों को 2 से 16 के बीच में कवर करना। ये काफ़ी घातक बीमारी है और इसमें जनरली कोई भी अगर बच्चा सफ़र करता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको परमानेंट डिसेबिलिटी या डेथ हो सकती है। तो इसलिए जितने भी बच्चे 1 से 15 साल के हैं, शासन की ये मंशा है कि उनके सबके टीकाकरण हो। पिछली बार 17 मई में ये चला था, जिसमें से 3.5 लाख प्लस बच्चों के हमने टीकाकरण किए थे। इस बार जो इतने भी बच्चे बचे हैं उनको सबको कवर करना है। तो इस संबंध में बाकी भी विभागों से जो कन्वर्जेंस हमें चाहिए, चाहे वो पंचायती राज विभाग से हो, चाहे वो एजुकेशन विभाग से हो, चाहे वो DPO का हो, ICDS डिपार्टमेंट का हो, सबको हमारे द्वारा निर्देश दे दिए गए हैं कि सब मदद करें, सब कन्वर्जेंस करें। और आप लोगों से हमें ये मदद चाहिए मीडिया से कि इसका काफ़ी प्रचार प्रसार करें और लोगों को अवेयर करें इस बीमारी के बारे में, और उन्हें बोलें कि जिन लोगों ने अपने बच्चों को टीका नहीं लगाया वो ज़रूर लगवाएं। उनकी ANM हर गांव-गांव में जा रही हैं, तो मुझे उम्मीद है कि जैसे विगत वर्ष में भी हमने काफ़ी इस पर कार्य करके, हमारे यहाँ पे कोई भी मृत्यु इस JES से रिपोर्टेड नहीं थी, तो इस बार भी कोई भी मृत्यु या कोई भी केस हम कोशिश करें कि इस बार भी ना पाए। जो 2 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक चलाया जा रहा है, ये हमारे माननीय मंत्री जी के दिशा निर्देश अनुसार चलाया जा रहा है। इसमें हमारे प्रभारी मंत्री जी 2 तारीख को आएंगे, इसका उद्घाटन करेंगे कि JEE जो बीमारी है जापानी इंसेफ्लाइटिस, इसको रोकथाम करने के लिए टीकाकरण का अभियान है, जिसमें 1 से 15 साल तक के बच्चों को जो है टीका लगाया जाएगा। जो बच्चे छूट गए हैं उनको लगाया जाए, इससे कोई बच्चा बचा ना रहे। ये JEE जो जापानी इंसेफ्लाइटिस है, ये जो बीमारी खतरनाक बीमारी होती है, जिसे मस्तिष्क और टाइफस कहते हैं, इससे बहुत सारे बच्चे दुर्घटना में जाते हैं और बहुत सारे बच्चों की डेथ हो जाती है। तो इसको रोकने रोकथाम का यही है, टीकाकरण पहले से लग जाए तो उस बीमारी होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। सर, गांव-गांव आप जाएंगे, आपकी टीम जाएगी या मतलब इसका कई चल कैम लगाएगा? ये जो अभियान है, ये हमारे जो आशा ANM के द्वारा जो है अभियान चलाया जा रहा है, पूरे ब्लॉक में चलाया जा रहा है। हर ब्लॉक में जो है टीम जो है जहाँ जहाँ पर टीका होता है वहाँ पर लगाया जाएगा, बच्चों को वहाँ पर आशा ANM के सहयोग से लगाया जाएगा। कितनी टीमें बनाई गई? ये टीमें 38 टीमें यहाँ पर बनाई गई हैं, जो मदद करेंगी। और हमारी पूरी उम्मीद है कि हमारे साथ ब्लॉक इसमें पूरा सहयोग करते हुए अभियान को 100% सफल करेंगे। श्रावस्ती से टॉप न्यूज के लिए प्रदीप्ता के साथ कैमरामैन संतोष शाहू की रिपोर्ट। देखते रहिए टॉप न्यूज। जय हिंद, वंदे मातरम।